टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाम से ही पता लग रहा है, मूविंग कॉइल का मतलब कॉइल घूमेगी, और गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। तो कॉइल घूम के करंट मेजर करके बता देगी। अब इसको करने के लिए या ये क्या करता क्या है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत छोटे करंट को मेजर करता है। मैंने ये नहीं कहा करंट को मेजर करता है, मैंने ये भी नहीं कहा तुम कितना भी करंट इसमें डाल दोगे सब मेजर हो जाएगा, नहीं होगा। ये बहुत छोटे करंट को मेजर करता है, जैसे 2 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, ये 4 या 5 एम्पियर को मेजर नहीं कर सकता। ये एम्पियर में मेजर नहीं कर सकता, ये मिली एम्पियर में मेजर कर सकता है। तो मिली एम्पियर 10^-3 है छोटे करंट्स है। ये क्यों नहीं मेजर कर पाता उसको भी डिस्कस करेंगे, पर चलो ये छोटा करंट तो मेजर कर ही देता है। ये देखने में कैसा है? ये देखने में ऐसा है, पर जब तुम मार्केट जाओगे और कहोगे मुझे गैल्वेनोमीटर चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, देखने में ऐसा नहीं दिखेगा। आपको ऐसा दिखेगा, आपको मीटर दिखेगा, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, सुई लगी होती है, गाड़ी की स्पीड बताती है। यहाँ पर आपको डिविजन्स गिवन होंगे, ऐसे मीटर में डिविजन्स होते हैं ना, आपको एक सुई गिवन होगी और जब वो यहाँ पर लिखा होगा 0, 3 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, ऐसे गिवन होगा ऐसे। तो मान लो आपका 5 मिली एम्पियर है, तो आपकी सुई 5 मिली एम्पियर पर दिखा देगी, सुई घूम जाएगी। आप सोचेंगे सुई कैसे घूमेंगी, मेरे को तो यहाँ दिख नहीं रहा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में इसकी उस पैनल जो वो सुई घूम रही थी, वो शीशे का बना हुआ ऐसा है, उसके नीचे मशीन है, वो मशीन कुछ ऐसी है। उस मशीन के अंदर ये कॉइल जो है इसमें लूप्स हैं। मतलब करना क्या है, करंट मेजर करना है। इसकी कंस्ट्रक्शन से पहले एक और चीज़ बता दूं कि मान लो आपको आए करंट मेजर करना है, आप इसको किस में पास करेंगे, गैल्वेनोमीटर में से, क्योंकि अगर करंट मेजर करना है उसको पास ही नहीं करवाएंगे तो मेजर क्या करेगा। तो करंट गैल्वेनोमीटर में पास करवाएं और गैल्वेनोमीटर बता देगा इसमें कितना करंट है, और आप इसे तोड़ के देखेंगे मशीन को, तो ये मशीन जो आज तक हम लगाते आए यही वो गैल्वेनोमीटर जी है। वो इतना बड़ा जी लगा देते ना ऐसे, वो जी कुछ नहीं है, वो जी है पूरा जी अंदर, ये है गैल्वेनोमीटर। ये इसके अंदर क्या है, लूप बने हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है, लंबी सी तार है जो लूप्स की फॉर्म में है। उस लूप को लपेटा जाता है सॉफ्ट आयरन कोर पे, उसका रीज़न है बताऊंगा क्यों। तो मान लो ये मैंने सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेट दिया इसे, इसका एक कोना यहाँ पर है और एक कोना ऊपर से पास कर रहा है। तो इमेजिन करो अगर आपके पास जो करंट आपको मेजर करना है एक वायर में वो आए है, उसको आप यहाँ से एंटर करवाएं, यहाँ से एंटर करवा के वो घूमेगा 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 घूमेगा, घूम घूम के वो बाहर आए बाहर आ जाएगा। तो जब तक घूमेगा नहीं तब तक वो मेजर नहीं कर पाएगा। तो करंट को एक बार तो इसमें एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, एक कोने से एंटर करेगा, एक कोने से बाहर निकल आएगा। अब लॉजिक है, ये कॉइल को ऐसे रखा गया है, ऐसे लपेट रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, राइट है। कॉइल भी कैसे पड़ी हुई है, राइट पड़ी हुई है। इट विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क, किया था अभी एक शॉर्टकट किया था, अगर एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है तो टॉर्क क्या होगा उसमें, मैक्सिमम। तो ये बी वेक्टर है, नो एरिया वेक्टर, ये रहा एरिया वेक्टर। तो बी और एरिया वेक्टर में एंगल क्या है, 90, तो टॉर्क क्या होगा, एन बी आई ए साइन 90, मैक्सिमम टॉर्क है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब करंट पास हो तो ये घूमे, थोड़ा टर्न करे। टर्न करने का मतलब क्या जनरेट हो रहा है, टॉर्क जनरेट हो रहा है। तो जब इसमें करंट पास होगा तो ये घूमेगा, इसमें नंबर ऑफ, इसमें कुछ टर्न्स पास होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इससे क्या होगा उसको समझते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल वायर लगा रखी है, ये कॉपर की तार है पर एंड में वायर चेंज कर दी, फॉस्फरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगा रखी है। फॉस्फरस और ब्रॉन्ज की जो वायर है ये स्पेशल वायर है। प्रॉब्लम ये है कि आप सारा दिन करंट पास करते रहोगे, ये टॉर्क जनरेट करता रहेगा नीचे, ये तो घूमेगा, तो ऊपर की वायर ऐसे ट्विस्ट करती रहेगी। कॉपर की तांबे की तार ऐसे ऐसे करो टूट जाती है। तो ये फॉस्फरस ब्रॉन्ज वायर है, ये स्प्रिंग लाइक मटेरियल है। जैसे बॉल पेन के आगे स्प्रिंग नहीं लगा होता, वो टूटेगा नहीं, घुमाने पे मुड़ जाएगा। तो ये घूम सकती है, इलास्टिक इन नेचर है, टूटती रही है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और इलास्टिक भी है, ये घूम सकता है। अगर घूमेगा ही नहीं तो टूट ही जाएगा, तो फिर मेजर कैसे करोगे, मशीन टूट जाएगी। आपको प्रॉपर इलास्टिक मटीरियल चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या इसमें, इसके अंदर जो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल वही है कि करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और
क्या करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उस पर टॉर्क लगेगा, यही इसका लॉजिक है। और ये जो टॉर्क है ये एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। एंगुलर डिफ्लेक्शन का मतलब कॉइल रोटेट करती है, कॉइल रोटेट करती है। कंस्ट्रक्शन में इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि नॉन मेटेलिक मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम का फ्रेम जिसको सॉफ्ट आयरन बोलते हैं उस पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है भी आंसर दूंगा। और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर है। मैथमेटिकल पोर्शन में मान लो आपने एन नंबर ऑफ टर्न्स बनाए लूप में, एरिया एक लूप का ए है, करंट आई पास किया, और के का मतलब है टॉर्शनल कॉन्स्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग। ये टॉर्शनल कॉन्स्टेंट क्या होता है इसको समझते हैं। अगर आपको याद हो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट नाम की आपने चीज़ की थी, तो हमने स्प्रिंग्स में एक कॉन्सेप्ट किया था कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे अगर मैं फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन तो स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाएगा अब एक्स, तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी जिसका फॉर्मूला क्या होता था, माइनस की एक्स। मैं जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ही उसमें एक्सपेंशन प्रोड्यूस होता जाता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें? अब इसके अंदर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये कौन सी फोर्स है, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं और इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। इस पूरे एग्जाम्पल में जो प्लस वन का एग्जाम्पल लेते थे उसमें स्प्रिंग को ना लीनियरली मूव करवाते थे आगे पीछे, यहाँ पर स्प्रिंग को टांग दिया छत पे और इसको ऐसे घुमा रहे हैं। घुमाने का मतलब कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन है, एंगुलर मोशन है। एंगुलर मोशंस के अंदर प्लस वन में फोर्स जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क आता है, और जहाँ एक्स यूज़ करते हैं वहाँ पर थीटा आता है, और के का नाम है टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। तो लीनियर मोशन में स्प्रिंग कांस्टेंट को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं और रोटेशनल मोशन में स्प्रिंग कांस्टेंट को टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट्स हैं वो आते थे न्यूटन पर मीटर, और टॉर्शनल कांस्टेंट के जो यूनिट्स आएंगे, टॉर्क का मतलब न्यूटन इंटू मीटर होता है डिवाइडेड बाई रेडियंस, रेडियन या डिग्री कुछ भी, ये टॉर्शनल कांस्टेंट। मतलब जो काम स्प्रिंग कांस्टेंट कर रहा है लीनियर मोशन में इलास्टिसिटी को लेके, वही काम टॉर्शनल कांस्टेंट कर रहा है स्प्रिंग का एंगुलर मोशन को लेके। ठीक है यहाँ तक तो बिल्कुल सेम चीज़ है। अब इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि इसके अंदर अगर मैंने करंट जिसको मेजर करना है उसको कॉइल में एंटर करवाया, अब कॉइल थोड़ी घूम गई, उसमें टॉर्क जनरेट, ये मत सोचना पंखे की तरह घूमना शुरू हो जाएगी, ऐसे नहीं घूमती, हल्की सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। और सोचो जब आपने करंट पास किया ये हल्की सी डिफ्लेक्ट हुई तो आपको थोड़ी ना पता है अंदर डिफ्लेक्ट हुई, आप तो मार्केट से मीटर परचेज करके आए हो, आपको तो सुई दिखती है। ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है, ये रही आपकी निडल, कॉइल के बिल्कुल ऊपर लगा रखी है। आप अब इसको मत देखो, आप इसको देखो निडल को, करंट पास हुआ कॉइल घूमी सुई घूम गई, करंट और पास किया टॉर्क और जनरेट हुआ सुई और घूम गई, आपको लग रहा है आपके मीटर में 0 से लेके 3 मिली एम्पीयर के एम्पर करंट हो गया। ये देखो ऐसे, तो आपको लग रहा है कि सुई ऐसे घूम रही है, एक्चुअल में सुई नहीं घूम रही है, एक्चुअल में तो नीचे की कॉइल टर्न कर रही है। तो आपको ये नहीं दिखाया जाता, आपको सिर्फ ये दिखाया जाता है, समझ में आ रहा है? पर मशीन के अंदर क्या घूम रहा है, पूरा कॉइल रोटेट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, इमेजिन कर पा रहे हो इसे? तो इसके अंदर जब आपने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करना है, अब क्यों करना है उसका रीजन देता हूं। देखो आप ये चाहते हो कि करंट इसमें जाए और कॉइल घूमे, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुमने करंट बिल्कुल हल्का सा पास किया था और कॉइल हिले ही ना। अगर कॉइल हिलेगी नहीं तो करंट कैसे, सुई जीरो पर रह जाएगी। तो तुम तो चाहते हो कि इतने से करंट को पास करने पर भी बहुत अच्छा टॉर्क जनरेट हो ताकि हम करंट को मेजर कर सकें। तो तुम ये चाहते हो कि टॉर्क मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करने के लिए कॉइल को कैसे रखा जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है कि इनिशियल डायरेक्शन कॉइल की ऐसी क्यों है, ताकि इस पर टॉर्क मैक्सिमम लगे। पहली कंडीशन क्लियर है, ताकि इसमें टॉर्क मैक्सिमम लगे, और मैं चाहता हूं कि ये इसमें टॉर्क काफी ज्यादा जनरेट हो। अब दूसरा एक और तरीका है, तुम टॉर्क का फॉर्मूला अगर ध्यान से देखो, तुमने मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करने के लिए कॉइल को बी के साथ रख दिया, तो यहाँ पर आपने एंगल क्या लगाया, 90, क्यों, बी ऐसे है और कॉइल का एरिया वेक्टर आपकी तरफ है, तो एरिया वेक्टर और बी में एंगल 90 है, टॉर्क मैक्स है, एन बी आई साइन 90।
अब आप ये भी चाहते हो टॉर्क मैक्सिमम करने के लिए जो कर सकते हो करोगे, इसके लिए आपने कॉइल को बी के साथ रखा। आप ये चाहते हो कि बी और बड़ा बढ़ जाए, बी बढ़ाने के लिए आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स को रखा, मैग्नेट भी तगड़े लगाए ताकि बी में कमजोर, बी कमजोर ना पड़ जाए, बी अच्छा होगा टॉर्क अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो एक आपने क्या किया, कॉइल को बी के साथ रखा ताकि टॉर्क मैक्स हो, एक आपने बी को भी बढ़ा दिया बढ़िया मैग्नेट्स लगा के, और बढ़िया बी करने के लिए आपने सॉफ्ट आयरन लगाया। सॉफ्ट आयरन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एक बहुत अच्छा मैग्नेटिक जो है मटेरियल है। तो तुम जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ये खुद मैग्नेट बन जाता है, बहुत बढ़िया मैग्नेट जो खुद बहुत स्ट्रांग बी जनरेट करता है। तो मैग्नेट तो काम कर ही रहा है, साथ में सॉफ्ट आयरन ने भी और बेटर काम किया और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। इसलिए लकड़ के ऊपर नहीं लपेटा, सॉफ्ट आयरन मटेरियल यूज किया ताकि और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यूज किया जा सके। तो बी बढ़ने से क्या हुआ, टॉर्क बढ़िया जनरेट होगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये सारा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे टॉर्क मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए ताकि मैं छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर सकूं। अगर छोटा करंट जाएगा और इतने सारा इतना अच्छा टॉर्क जनरेट हो रहा है तो वो सुई फिर हल्की सी डिफ्लेक्शन भी शो कर देगी आपको, अच्छा टॉर्क जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आपने जब करंट पास किया तो इतना टॉर्क जनरेट हुआ, ये डिफॉर्मिंग टॉर्क है, इसने कॉइल को हिला दिया। अब ये तो है नहीं कि कॉइल हिलती जाएगी, अब होगा क्या, ऊपर का स्प्रिंग इलास्टिक है, तो हुआ क्या, मान लो आपने इतना टॉर्क जनरेट किया और ये डिफ्लेक्ट हो गया, पर एक जगह पे आके रुक जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हो, आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, स्प्रिंग भी रुक जाता है, ये थोड़ी ना कि इन्फाइनाइट खींचता जाता है, तो वो रुक जाता है। जब वो रुकता है हम बोलते हैं कि मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, रिस्टोरिंग फोर्स भी 10 न्यूटन ही डेवलप हो गई, 10 और 10 बराबर हो जाते हैं। इसके अंदर भी सेम है, मैंने यहां पर टॉर्क इतना जनरेट किया तो उस वायर में जो ट्विस्ट कर रही है उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया, और वो रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, के टाइम थीटा या एल्फा एक ही बात है। एल्फा का मतलब है वायर ने कितना रोटेट किया, वायर की रोटेशन एल्फा है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क जो डेवलप हुआ ये डिफॉर्मिंग टॉर्क था, इतना टॉर्क मैंने अप्लाई किया इतना उसमें डेवलप हो गया, और अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएं तो इसका मतलब ये वायर अब और घूम घूम नहीं पाएगी, लूप ने जितना घूमना था वो घूम गया, अब ये रुक जाएगा क्योंकि डिफॉर्मिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, वहीं रुक गई, तो ये कंडीशन इक्वल कर दी। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल्फा आ गया, यहां से ये पता लग रहा है कि जितना ज्यादा करंट आप मेजर करवाओगे उतना ही उसमें क्या आ जाएगी, डिफ्लेक्शन आ जाएगी, उतना ही टॉर्क जनरेट होगा, उतनी ही कॉइल आपकी रोटेट करेगी, और कॉइल की रोटेशन बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती बताया था, इसलिए करके मिरर लगाया जाता है ताकि छोटी रीडिंग को बड़ा करके दिखा जा सके, इसका कोई काम नहीं है यहां पे। वैसे इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा आ गया, और इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा से आई आ गया, आई एक तरफ बाकी एक तरफ, ये करंट की वैल्यू आ गई। अब कोई भी गैल्वेनोमीटर आप बनाएंगे उसके अंदर टॉर्शनल कांस्टेंट यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स आपने लपेट के दिए वो तो चेंज होने से रहे कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट प्रोड्यूस कर रही है वो भी कॉन्स्टेंट है, एरिया चेंज होने से रहा वो भी कॉन्स्टेंट है, तो क्या चीज़ मेजर करनी है, सिर्फ एल्फा। तो अगर आप डिफ्लेक्शन मेजर कर दें एल्फा तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो पहला काम अपने फॉर्मूला रजिस्टर में गैल्वेनोमीटर में करंट का फॉर्मूला नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला नोट करें। आए ठीक, आए का फॉर्मूला नोट करें और याद भी करें, के अल्फा बाय एन बी ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, लिख लिया फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है
अब क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, इस पूरे की जगह एक कांस्टेंट लगेगा जी, जी का नाम है करंट रिडक्शन फैक्टर या गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट। वैसे इसको मैं यूज़ नहीं करता, मैं वैसे नॉर्मली ये यूज़ करता हूँ, वैसे बता रहा हूँ कि करंट रिडक्शन फैक्टर ये है। नेक्स्ट है फिगर ऑफ मेरिट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट एंड कैलकुलेट फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो कितना करंट उसने मेजर किया और वायर कितनी घूमी, कितना करंट और कितनी घूमी, इसकी रेशियो को फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं है ये घूमना रेडियंस में गिवन हो, कई बार डिवीजन भी गिवन होती हैं कि चार मिली एम्पियर का करंट है पांच डिवीजन्स के अंदर, मतलब जो सुई घूमती है डिवीजन्स, एंगल दे दो या डिवीजन दे दो एक ही बात है, मैं भी करके दिखाऊंगा आपको। आप फॉर्मूला नोट कर लें कितना करंट है और कितना एंगल या जो डिफ्लेक्शन हो रही है, इसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट, फॉर्मूला नोट कर लें इसका। वैसे तो करंट के फॉर्मूले से ही ड्राइव हुआ हुआ है, आई बाई एल्फा को क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, यहाँ तक कहाँ यूज होती है उसको डिस्कस करेंगे अभी।